ये पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद आज प्रत्याशी हैं, उनकी भी साख दांव पर है और पूजा करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने अब से कुछ देर पहले कवर्धा पहुंचकर उन्होंने वोटिंग की और ये तस्वीरें देखिए आप, माता रानी की पूजा कर रहे हैं और बहुत जरूरी है सभी प्रत्याशियों के लिए। तो शायद वोट कास्ट करने से पहले रमन सिंह पूजा करके माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगर इन 20 सीटों पर आप गौर करें, 18 पांच साल पहले आप चलें तो इन 20 सीटों में सिर्फ एक सीट थी राजनांदगांव जहां से रमन सिंह जीते थे बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे, बाकी सभी 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। और उनकी जैकेट पर कमल का निशान है, माता रानी की पूजा की है उन्होंने और अब वो जा रहे हैं 4 बजे के आसपास। कवर सुनिए जरा क्या कर रमन सिंह। पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो सुशासन और विकास की कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठे का झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4,200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़